7.4. That's also 7.4, right? 12. बोलो पहला सवाल क्या है इंटीग्रेशन 3x² हाँ x स्क्वायर ऑफ x की पावर 6 प्लस 1 ये है x वही तो है वही है वन आगे पीछे करो चलो ऐसे कर लीजिए x की पावर 6 प्लस प्ले है ना ये तुम्हारा समाकलन करना है देखो यहाँ पे ध्यान से देखो यहाँ क्या लिखा है 3x² लिखा है ऊपर इसका मतलब ये किसका अवकलन है x की पावर 3 का अवकलन है है कि नहीं जो इसका अवकलन कितना आएगा देखो 3 आगे आएगा ये x स्क्वायर आगे आएगा है ना इस तरीके से तो इसका अवकलन है इसका मतलब हमको देखो यहाँ पे x की पावर 3 नहीं बन पाएगा तो बन जाएगा देखो यहाँ पे इसको क्या ऐसे लिखते हैं हम 3x² इसको लिख सकते हैं x की पावर 3 का स्क्वायर प्लस 1 फिर क्या होता है देखो a की पावर m उसकी पावर n घात की घात क्या होती है गुणा होती है ना कितना हो जाएगा mn हो जाएगा उसी तरीके से x की पावर क्या लिखा है 6 को हम लिख सकते हैं x की पावर 3 उसकी पावर 2 तीन दो ना 6 हो जाएगा तो ऐसे लिखा जा सकता है देखो यहाँ पे अब हम क्या करें यहाँ x की पावर 3 को क्या मान लें t मान लें तो देखो माना प्रतिस्थापन से लगा दें इसको ये dx है तो x की पावर 3 को मैंने क्या माना t मान लिया अब दोनों पक्षों में क्या कर दें अवकलन कर दें देखो अवकलन कैसे करेंगे डी डी एक्स क्यू माइनस का डी टी हो जाएगा अच्छा अवकलन करेंगे देखो 3x² और क्या आएगा डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा अब ध्यान से देखो वहाँ लिखा है 3x² dx क्या रखेंगे सर डी टी रखेंगे तो क्या हमारा सवाल हो जाएगा देखो हमारा सवाल हो जाएगा डी टी अपान क्या होगा टी स्क्वायर प्लस वन ये तो है टी स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा अब ये इस फॉर्म का दिख रहा है जो छः लिखवाए थे फार्मूले हमने इस टाइप का ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर या इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और यही तीनों फिर रूट में था एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और रूट के अंदर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बोले थे ना छः याद कर लो अगर इस टाइप के सवाल तुम हल करके बना लेते हो तो उसका समाकलन क्या होता है देखो किसमें फिट हो रहा है ये फिट हो रहा है प्लस वाले में इसका क्या होता है वन अपान ए और टेन इनवर्स क्या होता है एक्स अपान ए होता है ध्यान से देखो यहाँ ए क्या है एक का स्क्वायर लिख सकते हैं एक को एक्स स्क्वायर ये स्क्वायर है तो वहाँ यहाँ क्या हो जाएगा वन अपान क्या लिख देना क्योंकि वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है वन अपान ए और टेन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी होता है नहीं ये क्या है सूत्र अब क्या हो जाएगा यहाँ पे चलो ये हो जाएगा वन अपान वन वन ही तो होगा ए वन है और टेन इनवर्स कितना हो जाएगा बोलो टी अपान वन और प्लस का सी हो जाएगा ये कितना होगा टेन इनवर्स कितना हो जाएगा टी प्लस टी हो जाएगा टेन इनवर्स टी और प्लस का सी हो जाएगा टी को मैंने क्या माना था एक्स क्यू माना था तो क्या होगा टेन इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स क्यू प्लस का सी हो जाएगा अब अगर तुम इसका अवकलन करो तुमको ये मिलेगा सेम सेम मिलेगा कर दो अवकलन देखो करके देखो ये हमारा आंसर है करके देखो तुम इसका अवकलन करो तो सपोज करो वाई बराबर हमारे पास क्या है टेन एक्स क्यू यही तो है ये हमारा वाई तो प्लस का सी है इसका करो अवकलन तो कितना आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा और टेन का अवकलन क्या होता है टेन इनवर्स का वन अपान एक्स स्क्वायर यही तो होता है तो यहाँ एक्स क्या है एक्स क्यू है तो क्या होगा वन अपान वन प्लस एक्स एक्स क्यू का स्क्वायर अब फिर इसका करेंगे किसका करेंगे अंदर वाले फंक्शन का तो क्या 3x² हो जाएगा इसका करेंगे तो जीरो हो जाएगा तो क्या हमारा आएगा देखो 3x² और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 6 हो जाएगा देखो पूरे देखो यही आएगा तो समाकलन उल्टा क्या होता है उसका जब करेंगे तो क्या होगा अवकलन हो जाएगा ये तुम्हारा आंसर इसको नोट कर लो किसी का तुम समाकलन कर रहे हो दोबारा उसका तुम अवकलन कर दो जो उत्तर का तो तुम्हारा क्या बन जाएगा वही पूरा पूरा सवाल मिल जाएगा
उसी का पार्ट है ये, इसके बाद मैंने ये किया है। देखो अगला सवाल, देखो क्या लिखा है। सर अगर इसका आगे फैली तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाँ कोई दिक्कत, दोनों प्लस में है ना, तो एक्स का वगैरह सारी मान लो गलत होगी। कुछ नहीं गलत होगा, इधर देखो क्या है, ये प्लस में देखो लिखा है ना, वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लिखो या क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों तो प्लस ही है। अगर दी होगा तो मान लिया, अगर दो भी दी सकती वो तो एक्स को लेगा ना, वहाँ नहीं, ए तुम्हारा फिक्स रहेगा ना, वो कांस्टेंट वेव होता है, ए कांस्टेंट होता है, एक्स तुम्हारा वेरिएबल हो जाएगा, एक्स वाला एक्स ही रहेगा, तुम एक्स चाहे यहाँ लिखो चाहे वहाँ लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता है। नंबर हाँ, ए तुम्हारा कांस्टेंट नंबर आएगा तुम्हारा, नहीं ए तुम्हारा जैसे तुम्हारा एक हो गया, दो हो गया, चार हो गया, नंबर हो गया, तुम ए को चाहे यहाँ रखो चाहे वहाँ रखो, इस फॉर्म पे देखोगे यही लिखेंगे जो लिखा है सूत्र यहाँ मान हुए रखे। चलो अभी करते हैं, समझ में आ जाएगी। दूसरा वाला अच्छा जी, कोई दूसरा करो, दूसरा करो तो बन जाएगा। बोलो दूसरा क्या, वन अपान रूट में वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर। दूसरा क्या है, वन अपान रूट के अंदर वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है। देखो ये सवाल DL. इसका मुझे क्या करना है, समाकलन करना है नहीं, तो पहला काम क्या करें, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, इसका गुणांक क्या करें, एक करें, क्या करें हम एक करें, कैसे एक होगा, देखो यहाँ चार कामन ले लें है नहीं, बाहर दो देखो यहाँ, यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा यहाँ जब हम चार कामन लेंगे, देखो यहाँ इसके पास चार नहीं है तो नीचे बटे नीचे आ जाएगा बटे वन अपान फोर हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब चार का दो बाहर आ जाएगा, चार का दो कौन सा बाहर आ जाएगा, वन अपान दो ये डी एक्स है नहीं। देखो यार यहाँ क्या हो जाएगा, देखो रूट के अंदर दोनों प्लस में है सर जी, वन अपान टू का होल स्क्वायर, ये वन अपान टू का होल स्क्वायर या एक्स स्क्वायर, इसको पहले लिखो या इसको बाद में प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यार इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये डी एक्स है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन अपान टू और रूट के अंदर ये देखो डी एक्स हो जाएगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर और प्लस का वन अपान टू का स्क्वायर, दोनों प्लस ही में तो है, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब बताओ ये किस फॉर्म का दिख रहा है तुमको, इस फॉर्म का दिख रहा है, कहाँ गया इस फॉर्म का दिख रहा है, ये है तुम्हारा। इसका देखो क्या होता है इंटीग्रेशन, इसका होता है वन अपॉन टू ए लॉग क्या होता है, एक्स प्लस क्या होता है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। तो हमारा प्लस वाला बन रहा है रूट के अंदर, तो क्या होगा इसके, देखो ये वन अपॉन टू लॉग क्या होगा, एक्स क्या है हमारे पास, एक्स ही है और रूट के अंदर क्या हो जाएगा फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन फोर हो जाएगा है नहीं, ये वन अपॉन टू का स्क्वायर प्लस का सी। तो पूरे सवाल को हमने क्या किया, पूरे सवाल को ये छः फॉर्म था इस फॉर्म में बदल दिया, मतलब एक सवाल को बदला मैंने, इस फॉर्म में से कोई एक फॉर्म बदला, तो कौन सा फॉर्म आया हमारा, ये वाला फॉर्म आया है नहीं, क्या है देखो रूट के वन अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, इसका दिखा हमें, इसका सूत्र पता है, भर दिया हो गया, ये वाला सूत्र हाँ, ये वाला कौन सा सबसे नीचे वाला का होता है, देखो ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी होता है, ऐसा होगा सवाल, करेंगे भाई है सवाल बहुत इसमें।
नोट करो जल्दी, कराते हैं अभी सब एक एक सॉल्व करा देते हैं। जल्दी देखो तीसरा बता दे रहे हैं, तीसरा है टू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का वन लिखा है। देखो समझ आ रहा ना, केवल छह फॉर्म बनाने हैं तो आप अपने आप कर सकते हैं इसको। देखो तो इस सवाल को ऐसा बनाना है, इसमें से कोई बना के सोचो तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, हाँ प्लस a स्क्वायर बनेगा। कैसे बनेगा देखो, पहले इसको क्या करेंगे, जो x का गुणांक होगा, जो x का गुणांक होगा कोशिश करेंगे उसको क्या करेंगे, एक करेंगे और कैसा एक करेंगे, प्लस का एक करेंगे, जो आगे माइनस का है तो क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। देखो तो dx हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, देखो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ऊपर स्क्वायर लगा है तो बाहर माइनस कॉमन लिए तो माइनस माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या होगा x माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अब प्लस का वन का वाई स्क्वायर लिख दो इसको, ये देखो ये क्या हो जाएगा dx, और इसको हम क्या लिख सकते हैं x माइनस टू का स्क्वायर और प्लस का वन का स्क्वायर। कोई फर्क पड़ेगा, ये जो माइनस था हमने माइनस कॉमन लिया, ऊपर स्क्वायर था तो उसको प्लस कर दिया, अगर स्क्वायर नहीं होता तब बाहर क्या आता माइनस आता है नहीं, ये हो गया हमारा। अब ये कैसा दिख रहा है बोलो, रूट के अंदर, रूट के अंदर कौन सा ये वाला फॉर्म दिख रहा है, इसका क्या फार्मूला होता है, देखो इसका फार्मूला होता है, देखो ये डी एक्स रूट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर लिखा होता है तो लॉग एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का सी, यही तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाँ प्लस है तो प्लस आएगा, अरे माइनस हो गया तो माइनस आएगा, ये हमारा सूत्र हो गया, इसको अंडरलाइन कर देंगे इस तरीके से, दिस इज ए फार्मूला हो गया है नहीं, इसका यूज कर लेंगे तो क्या होगा, देखो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा लॉग, बोलो x क्या है हमारे पास, x माइनस दो, यही यही देखना है x माइनस दो, और प्लस का रूट के अंदर पूरा पूरा वही दो का स्क्वायर और प्लस का एक का स्क्वायर और प्लस का सी हो गया। हाँ छह सूत्र हैं, छह इधर हैं और छह तीन आगे होंगे, तीन में तुम नहीं थे क्या, चलो ठीक है तो तीन वाला भी देख लेंगे, अभी एक सवाल का लिख रहा है, छह इधर हैं, सात पॉइंट जब पांच में जाओगे तो उसमें तीन सूत्र हैं, नौ सूत्र तुमको बोले थे उन लोगों को, बताया है नौ सूत्र तो तुम्हारे तीन एक्सरसाइज है, चौथी है पांचवी है एक छठी भी है उसी पे आधारित। तो इसका तो लो पार्ट है अभी, हार्ड पार्ट अभी नहीं देखे हो, हार्ड पार्ट कठिन है अभी इसका, अगला क्वेश्चन देखो वही करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा अपने आप करना देख लो उसके बाद। देखो चौथा पांचवा छठा अपने आप करना, चौथा चौथा हम क्या करना, 25 कॉमन ले लेना, कॉमन ले लेना है नहीं तो 9/25 हो जाएगा, और कितना 9/25 को क्या लिखोगे 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और रूट के अंदर देखो ये फार्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा फार्मूला, ये लगेगा साइन इनवर्स क्या होगा एक्स अपान ए, ए कितना आएगा, ए आएगा 3/5, 3/5 हो जाएगा प्लस का सी हो जाएगा, और इसमें देखो इसमें क्या करना, देखो ये एक्स एक्स स्क्वायर फोर है तो पहले दो कॉमन लेना आया था, दो हट जाएगा, एक्स स्क्वायर फोर को क्या करना एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर देना है नहीं, स्क्वायर को टी मान लेना हो जाएगा, ये वाला हो ही जाएगा है नहीं,
ये वाला देखो, ये वाला अभी बता रहे हैं 6 नंबर बता रहे हैं, रुको, और ये 8 नंबर, हाँ 7 नंबर बता रहे हैं, 8 नंबर हो जाएगा, 8 नंबर इसको क्या करना है, एक्स क्यूब को, हाँ मान लेना हो जाएगा, हाँ ये देखो 9 नंबर में क्या करना, 10 को क्या मान लेना, टी सर, हाँ टी मान लेना है, नहीं हाँ हाँ हो जाएगा, उसका तो होता ही है, अरे जब इसको लॉक कर देते थोड़ा सा सात नंबर, हाँ सात बताते हैं ना, सात बताने के लिए एक मेथड बताना पड़ेगा ना, तो पहले उसको देखो, इधर देखो सात के पहले, और देखो तुम ये हो जाएंगे ना, आठवां नौवां हो जाएगा, दसवां ग्यारहवां बारहवां तो बताना पड़ेगा, देखो सातवां दसवां ग्यारहवां बारहवां फिर तेरहवां और सत्रहवां सोलहवां अठारहवां, इसके लिए एक अलग स्पेशल मेथड है, देखो क्या देखो यहाँ पे क्या मेथड है, अगर सवाल तुम्हारा इस टाइप का दिखे पी एक्स प्लस क्यू और ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी दिखे, सी है ना, या ऐसा दिखे पी एक्स प्लस क्यू और रूट के अंदर क्या दिखे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिखे, ऐसा दिखे पहले, है नहीं, तो ये तुम्हारा फर्स्ट टाइप का है, ऐसा दिखे तो क्या करेंगे, अगर केवल ऐसा दिखे तो क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी दिखे, और या ऐसा दिखे डी एक्स रूट के अंदर, डी एक्स है यहाँ पे, है नहीं, रूट के अंदर ऐसा दिखे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी दिखे, केवल ऊपर एक लिखा हो, नीचे क्या लिखा हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मान लो, ऐसा कोई दिया हो और फिर इस पर रूट लगा हो, इस टाइप का दो टाइप ये है और दो टाइप ये है, मतलब एक टाइप का ये सवाल है एक टाइप का ये सवाल है, कैसे करेंगे, तो देखो पहले हम ये वाला करेंगे, जब इस पे एक्सपर्ट हो जाएंगे तब इस पे चलेंगे, है नहीं, देखो देखो क्या करेंगे, पहला काम है जो नीचे जो बना है यहाँ पे क्वाड्रेटिक, इसको क्या करेंगे पूर्ण वर्ग से इसको हल करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, है नहीं, सवाल पे आते हैं, सवाल से ही होगा, है नहीं, तो पहला काम क्या देखो करेंगे, हम बता दे रहे हैं ऐसे ही, पहला काम जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है इसको क्या करेंगे, एक करेंगे, एक कैसे, देखो यहाँ पे लिखा मान लो एक्स थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का फाइव एक्स प्लस सिक्स, कितना गुणांक है, तीन है, तो इसको एक करेंगे, कैसे करेंगे, तीन यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो तीन कॉमन लेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये पाँच बटा तीन एक्स हो जाएगा और छः बटा तीन हो जाएगा, दो हाँ है नहीं, दो आ जाएगा, तो बात की बात है, सवाल लगाएंगे तब बता रहे हैं इसे जनरली, तो पहला काम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या करेंगे, एक करेंगे, दूसरा काम क्या करेंगे, एक्स का जो गुणांक होगा उसका आधा का वर्ग जोड़ देंगे और घटा देंगे, इतना करेंगे, और फिर उसके बाद जब जोड़ेंगे देखो ऐसा बन जाएगा, लाओ थोड़ा दिखाई देते हैं, सपोज करो हमारा ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स प्लस सी है, समझे, ये हमारा है, इसको मुझे बनाना है परफेक्ट स्क्वायर बनाना, देखो कैसे करेंगे, पहले यहाँ से क्या करें, ए कॉमन लेते हैं, तो देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा बी अपान ए एक्स हो जाएगा और सी अपान ए हो जाएगा, दूसरा काम क्या करेंगे, जो एक्स का गुणांक है उसके आधे का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए एक्स और बी अपान ए का वर्ग पहले जोड़ेंगे बाद में घटाएंगे, बी अपान ए का स्क्वायर घटा दिया, अब तब बाद में जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको लिखेंगे सी अपान ए, ये तुम्हारा सूत्र बन जाएगा, हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का टू ए सूत्र बन जाएगा, किसका सूत्र है, अगर यहाँ प्लस है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे यहाँ हो जाएगा एक काम ए बाहर है, ये हो जाएगा एक्स प्लस बी अपान ए का स्क्वायर हो जाएगा, है नहीं, ए पूरे से लिए हो तो ए ऐसे लगेगा, है नहीं, अब इसको हल कर लेंगे बी अपान ए का स्क्वायर और प्लस सी अपान ए, इसको हल कर लेंगे, इसको भी हल करेंगे तो स्क्वायर बनाएंगे, इसको भी हल करेंगे क्या बनेंगे स्क्वायर बनाएंगे, ये नंबर है सपोज करो 36 आ गया तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, अगर 25 आ गया तो 5 का स्क्वायर आ गया, सपोज करो मान लो 2 आ गया हल करने पे तो क्या करेंगे रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे, समझे, ऐसे करेंगे, चलो सवाल लगाते हैं, सवाल में ही सब हो जाएगा, है नहीं, तो मैंने पूरा एक व्यू दिखा दिया ऐसे करना है, और जब हल करेंगे तो हमारा ऐसा बन जाएगा, देखो कैसा बनेगा, ऐसा रूट के अंदर होगा तो रूट में क्या बनेगा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस का रूट 2 का स्क्वायर, तो क्या बनेगा प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, ये ऐसा फॉर्म बनेगा, इसी 6 में से बनेगा फॉर्म, है नहीं, तो देखो एक सवाल उठाते हैं इसमें, देखो बढ़िया सवाल नंबर करते हैं, कौन सा सात थोड़ी ना इस टाइप का, वो तो इस टाइप का सवाल है, इस टाइप का है, ये 10 नंबर करते हैं पहले, है नहीं, चलिए 10 नंबर करते हैं, तो 10 नंबर बोलो क्या है, बोलो 1 अपान में क्या है x स्क्वायर
रूट में एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस दो, टू एक्स प्लस दो लिखा हुआ। देखो ये थोड़ा आसान दे दिया है, नहीं थोड़ा और कठिन दिया, दो आगे है ना। हाँ देखो यहाँ नंबर होता तो मजा आता समझाने में, कोई नंबर वाला है ये वाला 11 लगाते हैं नहीं, 10 तुम लगाना अपने आप आसान है। तो लग 11 नंबर देखो, बोलो क्या है dx रूट के अंदर क्या है, 9x स्क्वायर रूट से नहीं लगा, रूट नहीं लगा, चलो ठीक नहीं लगा, तो 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ये करते हैं। बढ़िया सवाल है देखो, तो पहला काम क्या है, पहला काम क्या है, x का गुणांक, हां x स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखो फिर 9 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा dx, यहाँ हो जाएगा 9x, ये 9 कॉमन तो x स्क्वायर और 6 अपॉन 9 और x और 5 अपॉन 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा। 5 सही से लिखा जाए, थोड़ा इंक डाल लिया जाए, दोनों दोनों तीनों तीनों गायब हैं आवाज, अगर कोई पता ही नहीं रहता है यार, जितेंद्र जितेंद्र का जितेंद्र जब घर जाओ तो इसमें इसमें अब साइकिल से तो कहाँ जी साइकिल से हैं, हाँ उतनी दूर जाओ पता लगा वो गन्ना कोड़ रहे हैं, हैं देख यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा 6 अपॉन 9x, 6 अपॉन 9x और 5 अपॉन कितना हो जाएगा, 5 अपॉन 9 हो जाएगा, है नहीं, इस 9 को आगे ले आएंगे तो 1 अपॉन 9 हो जाएगा, ये dx हो गया। और यहाँ क्या देखो, अब क्या बोल लेते हैं अगला स्टेप, x के गुणांक का आधा आधा है नहीं, तो कितना 6 अपॉन 9 है, इसका आधा कैसे निकालेंगे, तो 3 3 कितना होगा देखो, तो पहले ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 6 अपॉन 9 का आधा यानी 2 से भाग कर देंगे, से निकालते हो 4 का आधा, 2 से भाग करते हो तो 2 आता है, ऐसे 3 का आधा कितना, 3 बटा 2 1.5, उसी तरीके से कितना यहाँ पे 6 अपॉन 9 है, थोड़ा इसको काट लो तो कितना होगा, 2 अपॉन 3 होगा, इसका आधा कितना होगा, 1 अपॉन 3 होगा, 1 बटा 3 नहीं होगा, 2 तो कट जाएगा, कितना 1 अपॉन 3 होगा। क्या करेंगे, 1 अपॉन 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 1 अपॉन 3 का स्क्वायर घटाएंगे, तो क्या होगा देखो यहाँ 6 अपॉन 9x और 6 अपॉन 9 को क्या लिख दिया, बोलो 2 अपॉन 3 लिख देना, ठीक है 2 अपॉन 3, और यहाँ क्या करें 1 अपॉन 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 1 अपॉन 3 का स्क्वायर घटाएंगे, अब फिर प्लस का लिखेंगे 5 अपॉन 9, बाद में बोले थे ना, और ये सारा काम एक ब्रैकेट में होगा, ये 1 अपॉन 9 गुणे में है, ऐसा मत कर देना, इसको कर देना, इसको अलग कर देना इससे, ऐसा नहीं, 1 अपॉन 9 यहाँ देखो ये dx हो गया, ये किसका सूत्र बन जाएगा, इसका प्लस b इसका प्लस 2ab यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी x प्लस b कितना है 1/3 का होल स्क्वायर, इतना समझ गए तो गणित आसान है। देखो 1/3 का स्क्वायर कितना होता है 1/9 और ये 5/9, इसको हल कर लिया जाए कितना आएगा, बोले यार r बराबर लासा बराबर है नहीं, कितना होगा, चलो वो यहां 4 बटा कितना आएगा, 9 आ जाएगा, है नहीं, कहाँ का प्लस का कि माइनस का, प्लस का आएगा, प्लस का, अरे प्लस का ज़्यादा है ना, तो देखो यहाँ पे ये अगला स्टेप तुम्हारा क्या होगा, अगला स्टेप होगा तुम्हारा 1/9 और रूट नहीं लगाया ना, रूट नहीं, एक्स प्लस 1/3 का स्क्वायर और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का 4/9 2/3 का स्क्वायर, हाँ देखो 1/9 ये हो जाएगा डी एक्स, ये डी एक्स हो जाएगा, यहाँ देखो x प्लस 1/3 का स्क्वायर और तुम्हारा हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर, ये किसका सूत्र है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो किस में जाएगा, पहले वाले सूत्र में जाएगा, क्योंकि dx और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का सूत्र होता है 1/a tan इनवर्स कितना x अपॉन a प्लस c, दिस इज अ फार्मूला है नहीं, इसको यूज किया जाता है 1/9 तो पहले से ही है नहीं, 1/9 और 1/a, a कितना है 1/a सच ही है 2/3 a यहाँ है ना, तो 2/3 ऐसे लिखा जाएगा है नहीं, फिर tan इनवर्स x x कितना है वो x प्लस 1/3 है नहीं, और प्लस a कितना है 2/3
अब प्लस का सी है, देखो थ्री थ्री जगह कितना हो जाएगा नाइन, तो वन बाई सिक्स हो जाएगा ना, हो जाएगा। और देखो टेन इनवर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको हल करोगे तो देखो ये तीन एक्स यहाँ आएगा, हाँ थ्री एक्स प्लस वन हो जाएगा और तीन तीन कट जाएगा दो आएगा यहाँ प्लस का सी, यही आंसर हो जाएगा। तो मेरा पूरा एम क्या था, पूरे सवाल को क्या किया मैंने इस फॉर्म में लाया, किस फॉर्म में लाया, छः फॉर्म है इसी फॉर्म में लाया, इसी को मैं बार बार लगा रहा हूँ। सेम फंडा इसमें भी करेंगे, जो ऊपर आएगा उसके लिए अलग मेथड है, तो पहले इसको नोट करो, उस पर एक सवाल लगाते हैं, एक सवाल पेपर में मिलेगा इस पर। जो नौ फार्मूले हैं, छः ये वाले हैं और तीन आगे वाले, तीन आगे वाले तो करा दिए हैं तुमको। समझ आ रहा है ना, उसमें टंगा होगा उसमें हैंगर में तरीके से उतर गया। अरे कूलर के पास देखो, कूलर के पास हैंगर है, उतर गया करे आगे। हाँ देखो इस टाइप का एक और सवाल करते हैं, फिर करते हैं किस टाइप का, हाँ एक बूढ़ वाला कर लेते हैं। अरे यार सूत्र मिटा दिए, चलो निकाल तो हो गया ही है तुमको ना, तो दिक्कत तो है नहीं अब, है दिक्कत होगा तो फिर लिख दे। तो कौन सा लगाएं पहले, चौदह नंबर, बहुत ही बढ़िया सवाल पूछे, बहुत ही बढ़िया सवाल, चौदह नंबर माइनस का एक्स स्क्वायर, पहला काम क्या करना उसको प्लस करना है ना, क्वेश्चन नंबर चौदह 7.4 का ही है, क्या है डी एक्स और रूट के अंदर क्या है 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर, देखिए बहुत मस्त बढ़िया सब। तो यहाँ से हम क्या करते हैं देखो ध्यान से, डी एक्स रूट के अंदर क्या करते हैं 8, ये माइनस का जब कॉमन लेते हैं तो यहाँ आएगा माइनस का 3x प्लस का एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। देखो ये अगली सकते हैं नहीं सकते, देखो इसको जब खोलोगे तो वही मिलेगा ऊपर, देखो माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया देखो, सवाल मेरा था डी एक्स रूट के अंदर 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर था, तो मैंने इस प्लस को क्या किया, ये यहाँ 8 लिखा, लिखने के बाद यहाँ से माइनस कॉमन लिया और इसको लिखा माइनस का 3x लिखा, अब माइनस माइनस गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस को क्या कर देगा माइनस कर देगा, तो पूरा बैक जाएंगे तो पूरा मिलेगा हमको, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। आगे देखो क्या करेंगे, ये डी एक्स हो गया, अब इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर 8 माइनस का, देखो क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, एक ब्रैकेट में है, इसको खोलेंगे पूरा तो पूरा यही मिलेगा, देखो यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 3x मिलेगा। आगे देखो ऐसा
ये dx हो गया, अब ये हो गया रूट में 8 माइनस का x स्क्वायर माइनस का 3x। अब बताओ, अब क्या तुमसे बताए थे x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो गुणांक कितना है, 3 है, इसका आधा कितना होगा, 3/2 का स्क्वायर जोड़ देंगे, उतने क्या करेंगे घटा देंगे, ये इसी ब्रैकेट में हो रहा है काम पूरा। ये dx हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 8 और माइनस, देखो ध्यान से इतना क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x माइनस का 3/2 का स्क्वायर है नहीं, और जब ये ब्रैकेट खुलेगा इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो प्लस का 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा लाइन समझने में दिक्कत आई होगी तो लग रहा है, ये 8 हो जाएगा, इसके लिए कितना हो जाएगा 9/4 हो जाएगा, माइनस का x माइनस 3/2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, इसको हल कर लो कितना होगा, 8 + 4 = 32 प्लस 32 + 9 कितना होता है, 32 + 9 कितना होगा 41 होगा ना, 42 कहाँ से हो जाएगा, dx हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा रूट के अंदर 41, को क्या लिखते हैं रूट 4 लिख दें 41 और 4 को 2 लिख दें का स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर। अब बताओ किसका फार्मूला है, एक्स स्क्वायर रूट में ना क्या होता है इसका, साइन इनवर्स x अपान a, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स क्या हो जाएगा बोलो, x क्या है x माइनस रूट 3 x माइनस 3/2 और a कितना है रूट 41 बटे में कितना 2 प्लस का c, यहाँ देखो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा इसी की बात दिख रहे हैं 2x - 3, तो ये हो जाएगा 2x - 3 और 2 कट जाएगा अरे तो रूट में 41 और प्लस का सी, ये आएगा बहुत बढ़िया सवाल था, सारा गेम कहाँ था, सारा गेम यहाँ था, यहाँ नोट कर लो, माइनस कॉमन हो गया चले आगे, तो सिमिलर सवाल जो है सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 10 है नहीं सदिख लो, सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 12 और सवाल नंबर आपका 24, सवाल नंबर 25 सारे हो जाएंगे। अब थोड़ा अलग टाइप के पढ़ेंगे, एक टाइप का और पढ़ लेते हैं, तो ये लोग मिस्टेक नहीं हुआ है ना, माइनस माइनस प्लस होगा ठीक है, हो गया। चलो देखो इसका वाला यहाँ पर एक सवाल किस टाइम करते हैं,
देखो अगर आपके पास इस टाइप का सवाल दिखे, किस टाइप का सवाल दिखे, ये सब टाइप है, टाइप रिकॉल रहेगा तो सवाल इधर देखो, अगर इस टाइप का सवाल दिखे पी एक्स प्लस क्यू और रूट में आपको दिखे पहला काम क्या लिखी है, हाँ रूट ना लगाओ उसके लिए, है नहीं दोनों का सिमिलर सिमिलर कर दो, क्या होगा उसको भी लिख लो यहाँ पे, चलिए 16 नंबर दिया सवाल, पी एक्स प्लस क्यू और लिखा हो तुम्हारा रूट ना लगा हो एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी डी, है नहीं सारा काम पता किस लिए कर रहे हैं, सारा काम उसी लिए कर रहे हैं जो हमारे पास 6 फार्मूले हैं उनके लिए सब अरेंजमेंट कर रहा है, है नहीं इसके लिए कर रहे हैं, उन 6 फार्मूले के लिए कर रहे हैं, बनाएंगे क्या वही सूत्र बना के फिर उसके बाद उस सूत्र का जो रिजल्ट है वही भर देंगे आंसर आ जाएगा। देखो क्या करना है इसके लिए, अगर इस टाइप का सवाल आपको दिखे तो पी एक्स प्लस क्यू को पहले निपटाएंगे, चला है ना, बल्ब बंद कर दे, ठीक है देखो पी एक्स प्लस क्यू को क्या लिखेंगे, देखो पी एक्स प्लस क्यू को लिखोगे डी अपान डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखेंगे, क्या करेंगे बाद में इसको हल करेंगे, हल करके क्या करेंगे ए और बी का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखो, इधर हो सकता है कोई नंबर होगा, इधर सपोज एक्स अपॉन एक्स प्लस टू आए, इधर आए तुम्हारा ए ए एक्स प्लस क्या है बी है, क्या करेंगे तुलना करेंगे, तुलना तो क्या करेंगे देखो x का गुणांक कितना है a है, यहाँ पे कितना है एक है, तो कितना होगा a का मान एक आएगा, b का मान कितना आएगा दो आएगा, ऐसे ही हल करेंगे, सपोज करो इधर x का गुणांक नहीं है केवल दो लिखा है तो a का मान कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा, अब b का मान कितना आ जाएगा दो आ जाएगा, ऐसे तुलना करके क्या करेंगे x का a और b का मान निकाल देंगे और पी एक्स प्लस क्यू को ऐसे लिखेंगे, जो a या b का मान आएगा उसको कहाँ बनेंगे, जब इसका कर लेंगे क्या कर लेंगे अरे अवकलन करेंगे तो एक स्टेप आएगा वहाँ मान भरेंगे, तो सपोज करो इसका जब अवकलन करेंगे तो क्या आएगा देखो 2ax आएगा और प्लस का क्या आएगा b आएगा, प्लस का b कैपिटल b आएगा, तो जब पी एक्स प्लस क्यू तुमको ऐसा दिखेगा, अरे अब इसको हल करेंगे a और b का मान निकालेंगे कहाँ भरेंगे यहाँ भरेंगे, अब जहाँ हमारा पी एक्स प्लस क्यू लिखा होगा उसकी जगह ये लिखेंगे ये पूरा पूरा, हाँ उसके कहेंगे ए प्लस इतना आ प्लस का बी, बी का जो मान होगा वो ए बी का मान होगा, सवाल करते हैं सवाल से समझ में आएगा, ऐसे बहुत कम बोलो सवाल बोलो स्टेप पे 14 नंबर 16 हाँ 16 नंबर करते हैं बढ़िया सवाल, 4x प्लस 1 हाँ क्या लिखा देखो 16 नंबर क्या है, तो ये 4x प्लस 1 रूट और रूट में 2x² + 2x² x -3 ये सवाल दिया हुआ है तो गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, -3 देखो कैसे करें वही तरीका है, क्या लिखें पहले x के गुणांक नहीं 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 4x प्लस 1 बराबर क्या लिखे हैं वो लिखे a a गुणे क्या dx अपॉन dx d अपॉन dx और 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3 प्लस का b b तो क्या होगा बोलो, है नहीं इनको सॉल्यूशन बोलो क्या होगा, a इसको हल करो कितना आएगा 4x आएगा और प्लस का 1 आएगा प्लस का b ये हो जाएगा 4x प्लस 1 हो जाएगा, ऐसे ही गुणा कर देगा 4x का है नहीं, अब क्या करें देखो यहाँ पे ये हो गया, इसको समीकरण क्या मान लेंगे एक मान लेंगे, अब इसको हल करेंगे तो कितना होगा देखो ये हो जाएगा 4ax प्लस का a प्लस का b यहाँ क्या 4x प्लस 1, अब ऐसा नहीं करेंगे इसको उठा के इधर लाएंगे x के गुणांक तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो क्या होगा यहाँ पे है नहीं है ये देखो 4a गुणे x और यहाँ क्या होगा a प्लस बी यहाँ क्या है 4x प्लस 1 है, अब तुलना करेंगे तो क्या तुलना करने में क्या मिलेगा देखो तुलना करने पर बोलो a 4 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा a बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, अब a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 1 और फिर a प्लस बी बराबर 1 तो देखो ये क्या हो जाएगा a बराबर 1 है तो b बराबर कितना होगा 1-0 होगा, a का मान कितना है 1 और b का मान 0 कहाँ भरेंगे यहाँ भरेंगे, तो क्या हो जाएगा देखो ये हमारा हो जाएगा 4x प्लस 1 को हम लिखेंगे 1 गुणे कितना
फोर एक्स प्लस वन प्लस जीरो, अब प्लस का जीरो लिखेंगे, यह लिखेंगे एक्स तो फोर एक्स प्लस, थोड़ा आसान सवाल उठा लिया हमने, थोड़ा आसान उठा लिया, पूरा पूरा वही मिल गया हमको, पूरा पूरा हमको वही मिल गया है नहीं, चलो हमको तो पूरा पूरा वही मिल गया, तो इसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ा, इसको लगाने का क्या होगा, जरूरत ही नहीं पड़ा यार। चलो देखो तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये हो गया 4x और प्लस का 1, और ये कितना हो गया देखो, रूट के अंदर कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3, इसको तुम t लेट करोगे तो पूरा पूरा a मिलेगा, पूरा पूरा, अरे इसको t लेट करोगे 4x तो पूरा a मिलेगा ना, तो मज़ा नहीं आया, सवाल उतना अच्छा नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे हम, कैसे करेंगे, जो हमारे पास 6 मेथड हैं वैसे करेंगे, वो कैसे, पूरा काम वही करें, तो पूरा काम चलो वैसे ही करते हैं, टी इसको लेट करो कितना होगा बोलो, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को क्या लेट, टी लेट करते हैं, दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं, क्या होगा देखो यहाँ पे, तो d 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3 बराबर क्या हो जाएगा, dt, तो 4x और प्लस का 1 और dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे ये क्या dx है, क्या रखेंगे इसके जगह, dt रखेंगे है नहीं, यहाँ क्या होगा, टी होगा है नहीं, अब इसका अवलोकन करना आता है, समाकलन करना आता है, t की पावर कितना है, माइनस एक बटा दो, दो dt, यहाँ कितना होगा, माइनस एक बटा दो प्लस वन, प्लस वन और यहाँ माइनस का वन अपॉन दो प्लस वन प्लस का c, माइनस एक बटा दो, यहाँ ये प्लस का एक बटा दो आएगा ना, ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा, दो आ जाएगा, और t का पावर वन बटा दो प्लस प्लस सी हो जाएगा, तो ये टू, और t का मान कितना है, ये सही टू एक्स स्क्वायर प्लस कितना है एक्स माइनस थ्री, इसमें यूज नहीं कर पाया, आएगा आंसर, हाँ आ गया, इसमें इसका यूज नहीं कर पाया, क्यों सही आया तो नहीं, अभी देखो यहाँ पे जो लिखा हमने 4x प्लस 1 को लिख रहे थे ए और बी, चलो करो फिर बताते हैं, 16 पढ़ते हैं, अगर इतना ना करो तब भी हो जाएगा, इतना ना करो यहाँ स्टी टी मान लो तब भी, हाँ तब भी हो जाएगा, इसका यूज हो नहीं पाया अच्छे से, एक और दो क्वेश्चन देखो शायद विधि कौन है, विधि नहीं है टाइप्स है, और सर ये कोई से नहीं लगा सकते समाकलन, कोई से टाइप आंसर कर लाए थे, चलो एक सवाल लगाते हैं, इसे दिया है, इसमें दिया है ये लगाते हैं, तभी विधि ज़्यादा ये होगी, ये सवाल दे दिया है पता कहाँ का, ये 7.3 उड़ी का सवाल है, 7.2 का सवाल है, टी मानो ऊपर मिल जाएगा पूरा पूरा, प्रतिस्थापन वाले का सवाल है, इस टाइप का सवाल नहीं है, ये तो कर लोगे ना, मिटाएं तो कर लेना है, या नहीं जो हम सिखाना चाह रहे हैं वो हम सिखा दें, ये देखो सवाल दिया है, x प्लस 2 दिया है और नीचे क्या दिया है, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 दिया है, ये दिया हुआ है, एक सवाल देखो और दिया होगा, x प्लस 3, हाँ x प्लस 3 दिया है और क्या दिया है, रूट में है x 5 माइनस 4x माइनस, चलो पहले इसको करते हैं, देखो ये सवाल दिया हुआ, तो पहला काम क्या करेंगे, देखो वही क्या काम करेंगे, x प्लस 2 को क्या लिखें, तो x प्लस 2 को लिखेंगे हल में, बोलो क्या करेंगे, a गुणे d अपॉन dx, क्या नीचे वाला 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस b प्लस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा है नहीं, तो करो भैया क्या आ जाएगा, बोलो यहाँ पे कितना आएगा 4x प्लस 6 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, प्लस का कितना आएगा, b आएगा है नहीं, ये x प्लस 2 हो जाएगा, इसको मान लेंगे समीकरण a, a b का मान निकालेंगे, यहीं भरेंगे, कहाँ भरेंगे, यहीं भरेंगे है नहीं, अब भरेंगे तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, पूरा पूरा x प्लस 2 को ऐसे लिखा जाएगा, a का मान और गुणे इतना और b यहाँ भर देंगे पूरा पूरा, देखो तो पहले हल करें इसको, तो x प्लस 2 बराबर कितना होगा, देखो ये हो जाएगा
फोर ए एक्स और ये कितना हो जाएगा सिक्स ए और कितना प्लस का बी, यही तो होगा। तो बोलो x का गुणांक तुलना करो कितना आएगा, 4a बराबर कितना आएगा 1, 4a बराबर 1 तुलना करने पे, हाँ 4a बराबर तुलना करने पर है नहीं, तो कितना होगा 4a बराबर 1 हो जाएगा और 6a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बताओ a बराबर कितना आएगा 1 बाई 4 आएगा, b बराबर कितना आएगा 2 माइनस 6 a, a कितना है 1 बाई 4 है, तो ये 2 से कट जाएगा 3, तो कितना होगा देखो 2 माइनस 3 अपॉन 2 4 1 बटा 2 आएगा। तो b का मान कितना आया 1 बटा 2 और a का मान आया 1 बटा 4, भर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से क्या मिलेगा देखो, यहाँ पे यहाँ से मिलेगा x प्लस 2 को लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे बोलो, लिखेंगे 1 अपॉन 4 और 4x प्लस 6 और प्लस क्या लिखेंगे 1 अपॉन 2 लिखेंगे, ये लिखेंगे है नहीं। चलिए अब सवाल पे आ जाइए, सवाल मेरा क्या है देखिए, x प्लस 2 और यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस का 5, ये सवाल है नहीं। बस इसका मान भरो कितना मान है 1 अपॉन 4 और 4x प्लस 6 1 अपॉन 2, गलती से इसको हल मत कर देना, हल करोगे तो कितना आएगा x प्लस 2 ही आएगा ना, तो करके देख लो, देखो ये 4 है कितना 4 हो जाएगा, x आ गया और यहाँ काटोगे तो कितना आएगा देखो 6 बाई 4 और 1 अपॉन 2, यहाँ कितना आएगा 3 अपॉन 2 आएगा प्लस 1, तो कितना होगा 2 हो गया 4 या 2 आ गया देखो x प्लस 2 आएगा, हल मत करना, हल करोगे तो पिक्चर बिगड़ जाएगा है नहीं। तो ये हो गया देखो, अब बटे में क्या है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है कि नहीं। अब क्या करेंगे यहीं से इसको अलग अलग कर लेंगे, दो पद है ना को यहाँ ये प्लस में अलग अलग कर देंगे, तो क्या होगा देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 आगे आ जाएगा इसका, और ये हो जाएगा 4x प्लस 6 और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5, और फिर एक और क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन क्या पूरा पूरा नीचे हो जाएगा 2x स्क्वायर, थोड़ा सा बीच में छोड़ देंगे यहाँ का देखो है नहीं, 1 अपॉन 4 यहाँ क्या हो जाएगा बोलो 4x प्लस 6 बटे में 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5 dx प्लस का 1 अपॉन 2 और कितना होगा 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5 है नहीं, dx हो जाएगा है। अब बताओ तो ध्यान से, इसका तरीका तुमको पता है हल करने का? हाँ सब पता है, इसका दो कॉमन लेते हैं और क्या करते हैं और उसको बनाते हैं, हाँ करते हैं जोड़ते हैं, पता तरीका ना। तो ये देखो इसको मानेंगे t तो पूरा पूरा ऊपर मिलेगा हमको, मिलेगा नहीं मिलेगा t माने देखो 4x प्लस 6 मिल जाएगा पूरा पूरा, तो यही हमारा एम था। और सर निम्बा इसमें क्या करेंगे, इसको हल करेंगे किस मेथड से, वो वाले मेथड जो 6 मेथड है, यहाँ बड़ा हो जाएगा, यहाँ दो कॉमन लेंगे अभी ये 1 अपॉन 4 होगा या 3 होगा या कितना होगा 5 अपॉन 2 होगा है नहीं। तो ये दो सवाल और हो जाए, इसको इसको आई वन मान लो, इसको आई टू मान लो, इन दोनों को अलग अलग हल कर लो, आ जाएगा ऐसे करना है। बहुत बड़े सर, बड़े आया ना, बड़े 5 नंबर में, 5 से नीचे नहीं आएंगे, 5-7 नंबर पेपर 100 नंबर का होगा ना, हाँ तो ये सवाल पक्का एक आएगा इस टाइप का, तो कम से कम 4-5 सवाल लगा लो अच्छे तरीके से इस टाइम। हाँ हाँ है आसान, कठिन है, कठिन है बताओ, लेकिन लंबे दो सवाल तुमको देखो यहाँ पे, दो सवाल तुम्हारे यही हो गए, ये तुमको करना आता है पहले से, आता है ना, बस ध्यान रहे इसको तोड़ के दो सवाल में तोड़ना है। सिंगल सवाल था तो पहले हमने क्या किया, x प्लस 2 को क्या किया इस फॉर्म में लिखा, रूट होगा तो कोई डरना नहीं है, यहाँ रूट हो जाएगा देखो, यहाँ रूट होगा, यहाँ रूट होगा, इसको t मानोगे रूट पर t आएगा, अभी जो सवाल किए थे है नहीं, पूरा कर देते हैं इसको है नहीं, ये नोट कर लो इतना पहले लिख लो, वेरी वेरी मोस्ट है नहीं, एक सवाल इसको बनेगा। तुम लोगों को पेपर 8 मई से स्टार्ट होने वाला है, 8 मई
पूरा कर लेते हैं, है नहीं, फिर इस पे सवाल लगाना घर पे जाके। कितना गैप दिए हैं? 3 घंटा 15 मिनट देते हैं। अच्छा वो उसमें टाइम बता रहे हो? सवाल दे बहुत हाई पे है जी। रोटा लाओगे तो प्रैक्टिस पे, प्रैक्टिस पे होता है। देखो I1 कितना हमारे पास है, 1/4 है, और क्या है 4x+6 हो गया, और कितना हो गया 2x² + 6x + 5 हो गया। देखो ध्यान से क्या करें, प्रतिस्थापन विधि से लिख दो यहाँ, प्रतिस्थापन विधि क्या हो जाएगा 2x² + 6x, क्या मान लें 3 मान लें तो कितना हो जाएगा, अवकलन कर दें तो 2x² + 6x + 5 का अवकलन किया कितना आया dt हो गया, इसका होगा तो 4x + 6 और पूरे में dx और dt, इसका तो 0 हो जाएगा। कर दें वहाँ पे तो कितना होगा, देखो 1/4 और बोलो 1/4 ये dt और यहाँ पे t हो जाएगा। 1/t का क्या होता है, log t होता है। देखो 1/4 है, ये log t हो गया, और t को क्या माना था, t से कि 2x² हां 2x² और प्लस का 6x + 5 प्लस का c हो गया, ये i1 हो गया। i1 का मान यहां पूरा भर देंगे, पूरे का मान है हमने i1 है नहीं। अब स्थिति को साइड 2 निकाल लेते हैं, इसको रफ कर दें, इसको रफ कर दें, बस ये वाला छोड़ दे रहे हैं। तो I2 का मान निकाल लिया, तो I2 का मान क्या हमारे पास देखो है 1/2 और कितना है dx और ये 2x² + 6x + 5, तो इसको कैसे लगाएंगे तो जो अभी सीख रहे थे, है नहीं, दो कॉमन लेंगे तो कितना होगा 1/4 हो जाएगा, ये dx हो जाएगा, ये x² 3x + 5 अपन कितना आएगा 2 होगा ना, हाँ हाँ 1/4 यहाँ देखो dx यहाँ x² ये 3x और यहाँ पे 3/2 का स्क्वायर क्या कर दें, जोड़ दें या घटा दें, तरीका बताए दिए हैं कि x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते हैं फिर घटाते हैं, पहले जोड़ते हैं बाद में घटाते हैं, क्यों, क्योंकि फार्मूले में क्या होता है प्लस आता है ना वहाँ पे a² + b² + 2ab हो गया, तो कितना होगा 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो x² + 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर, नहीं नहीं 5/2 भी तो है छूट गया, तो 2/2 4 से माइनस, तो कितना होगा माइनस का 9/4 और प्लस का 5/2, इसको हल करो कितना आएगा, तो 2 आएगा तो 5 × 10 हो जाएगा ना, तो 10 में से 9 घटाओ कितना आएगा 1/4 आएगा, है तो क्या हो जाएगा देखो 1/4 और समाकलन dx हो जाएगा और x + 4 + 2 का होल स्क्वायर, ये किसका फार्मूला है x² + a² हाँ, तो क्या लगेगा 10 इनवर्स कितना है 10 इनवर्स x + 3/2 प्लस का सी, इसको थोड़ा रोल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 4 2 आएगा यहाँ पे, है नहीं 10 इनवर्स 2x और यहाँ पे 2x + 3 बस हो गया, कट जाएगा ना, तो प्लस का सी ये आएगा, दोनों को भर दे मान यहाँ जोड़ के आ जाएगा आंसर, आसान है, बहुत बड़ा आसान है, 2 सवाल 3 सवाल हो गया, नंबर तो देगा 5 नंबर 6 नंबर सीधे 1% मिलेगा पूरा पूरा, एक परसेंट नहीं मिलेगा, 6 नंबर का सवाल आ जाए तो पूरा, अगर एक सवाल लगा दो तो 1% तैयार है तुम्हारा, 6 नंबर का होगा ना, अगर 600 के ऊपर होता है ना तुम लोग, 500 का होता है, अच्छा हाँ इंटर 500 का, अच्छा वो 8 वाला हट जाता है, 5 नंबर का हो जाएगा 1% में, ऐसे कहीं 2 सवाल फंस गए 2% पक्के तुम्हारे हैं, इतने रखा जाए
अब लगाना जाएगा 7.4 के हिसाब से बहुत ही स्कूल के बाद में कभी चेक किया मैं स्टॉप कर दो बस की निकाल लिया।